नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में देखेंगे अप्रैल तीसरी सप्ताह का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए डेली स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, कौन सा बैंक देश का दूसरा बड़ा बैंक बन गया है? इसका उत्तर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से अब देश का दूसरा बड़ा बैंक बन गया है। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीसरे स्थान पर आ गया है, क्योंकि स्टेट बैंक के शेयर में गिरावट आई है। क्वेश्चन नंबर दो, किस देश की वायुसेना द्वारा गगन शक्ति 2018 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका उत्तर होगा भारत। जी हाँ, भारतीय वायुसेना द्वारा अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास गगन शक्ति 2018 आयोजित किया गया। इसका आयोजन देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जा रहा है और गगन शक्ति 2018 में पहली बार महिला पायलट भी हिस्सा ले रही है। क्वेश्चन नंबर तीन, किसने एसआर पावर झारखंड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा एनसीएलटी। जी हाँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने कर्ज में डूबी एसआर पावर झारखंड लिमिटेड यानी कि ईपीजीएल के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी को कर्ज देने वाले आईसीआईसीआई बैंक के अनुरोध पर यह फैसला किया गया है। क्वेश्चन नंबर चार, ईपीएफओ में अब कितने लाख रुपए तक के ऑफलाइन क्लेम भी स्वीकार किए जाएंगे? इसका उत्तर होगा 10 लाख। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने हाल ही में फैसला लिया है कि अब 10 लाख रुपए तक के दावे ऑफलाइन फिजिकल फॉर्म के माध्यम से भी स्वीकार किए जाएंगे। ईपीएफओ ने पुराने सर्कुलर में ऑफिसेज को आदेश दिया है कि 10 लाख रुपए तक के ऑनलाइन क्लेम ही स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर पाँच, विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था का 2018-19 में कितने फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? इसका उत्तर होगा 7.3 फीसदी। जी हाँ, विश्व बैंक का अनुमान है कि 2018 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहेगी और 2019 तथा 2020 में यह बढ़कर 7.5% पर पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः, किस लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण 1000 अरब रुपये के पार हो गया है? इसका उत्तर होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। जी हाँ, हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा का बाजार पूंजीकरण 1000 अरब रुपये के पार हो गया है। बंबई शेयर बाजार पर महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर की कीमत 52 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर सात, हाल ही में कौन सा पेमेंट बैंक फॉरेन एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर सर्विस शुरू करने जा रहा है? इसका उत्तर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जी हाँ, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को सेविंग्स और वेल्थ मैनेजमेंट की सुविधा देने के बाद अब फॉरेन एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर सर्विस शुरू करने जा रहा है। पेटीएम ने यह कदम एसबीआई के सहयोग से उठाया है। क्वेश्चन नंबर आठ, केंद्र सरकार के मुताबिक नक्सल प्रभावित जिलों में से कितने जिलों में उसका प्रभाव या तो खत्म हो चुका है या उसकी मौजूदगी न के बराबर है? इसका उत्तर होगा 44 जिलों में। क्वेश्चन नंबर नौ, कितने वर्षों तक सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई है? इसका उत्तर होगा 900 वर्ष। जी हाँ, हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन में पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत 900 वर्ष के भयंकर सूखे का कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने गैस विनिमय बाजार शुरू करने की योजना बनाई है? इसका उत्तर होगा भारत सरकार। जी हाँ, प्राकृतिक गैस की खरीद फरोख्त के लिए भारत सरकार ने अक्टूबर तक एक बड़ा एक्सचेंज यानी कि गैस विनिमय बाजार शुरू करने की योजना बनाई है। इससे भारतीय गैस का एक मानक मूल्य तय हो सकेगा और इसकी खपत को बढ़ावा मिल सकेगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक महीने में एक यूजर आईडी से अब कितनी ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जा सकेगी? इसका उत्तर होगा 6। जी हाँ, एक महीने में एक यूजर आईडी से सिर्फ 6 टिकट बुक किए जा सकते हैं। अगर यूजर ने आधार कार्ड से सत्यापन कराया है तो एक महीने में 12 टिकट बुक करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2018 के लिए घोषित पुलित्जर पुरस्कारों में किस समाचार पत्र को सर्वश्रेष्ठ जर्नलिज्म अवार्ड प्रदान किया गया? इसका उत्तर होगा न्यूयॉर्क टाइम्स। जी हाँ, न्यूयॉर्क सिटी स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 16 अप्रैल 2018 को वर्ष 2018 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा हुई। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता अवार्ड के लिए चुना गया। क्वेश्चन नंबर 13,
भारत ने मेघालय कम्युनिटी लेड लैंडस्केप्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर होगा 48। जी हाँ, भारत ने 16 अप्रैल 2018 को मेघालय कम्युनिटी लेड लैंडस्केप्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के साथ 48 मिलियन अमेरिकी डॉलर के IBRD ऋण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 14। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद पर पाकिस्तान में लोकल टूर्नामेंट खेलने को लेकर करीब कितने लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? इसका उत्तर होगा 2.5 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति विन मिंत ने दर्जनों राजनीतिक बंदियों और 51 विदेशी नागरिकों समेत 8500 से अधिक कैदियों को माफी दी है? इसका उत्तर होगा म्यांमार। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एवं शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना। धन्यवाद।